बहुत लंबे समय से लंबित पड़ी थाना पलोन जल विद्युत परियोजना 191 मेगावाट की, उसका शीघ्र ही कार्य आरंभ किया जाएगा। आज इस संबंध में जो इसके डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट हैं अजय विस्तृत जी, पूरी विस्तार से चर्चा हुई है, पर्यावरण की मंजूरी मिल चुकी है, इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए कार्रवाई जारी है, उस संबंध में भी अरण्यपाल मंडी DFO जोगिंदर नगर जो इस फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जिनका 30% काम बाकी बचा है उनको जल्दी से जल्दी इस काम पूरा करने के लिए आदेश दिए गए हैं, ताकि फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के तुरंत बाद ही अगली कार्रवाई होगी। दूसरा, DPR की मंजूरी CWC CEA अंतिम दौर पर है, इन DPR का कार्य आरंभ हो चुका है, वो पूरा होने वाला है। जैसे DPR बनकर पूरी होगी इसकी कॉस्ट निकाली जाएगी और अगला कार्य आरंभ कर दिया जाएगा, ताकि फंडिंग की व्यवस्था हो और फंडिंग की व्यवस्था होने के तुरंत बाद भूमि अधिग्रहण, और दूसरा सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य। यानी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इस प्रोजेक्ट को जल्दी आरंभ करना चाहते हैं, उन्होंने अधिकारी को आदेश दे रखे हैं कि तुरंत इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस की जाए। दूसरा, जो फंडिंग का जहां तक संबंध है वर्ल्ड बैंक से भी संपर्क साधे गए हैं, लेकिन सबसे अच्छी एक बात है कि हमारे आज NHPC नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम बड़े इच्छुक हैं कि हिमाचल को उनको पावर प्रोजेक्ट मिलने चाहिए, तो इस वक्त हमें फंडिंग की दिक्कत कोई नहीं, केवल मात्र एक ही काम बाकी बचा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आग्रह भी किया है, आदेश भी दिए हैं, ये जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है तुरंत पूरी हो। और मैं मंडी सदर के वासियों को बधाई दूंगा, ये लंबे अरसे से उनकी डिमांड पेंडिंग पड़ी थी, उस डिमांड को आज माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा किया है और आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट का कार्य आरंभ कर दिया जाए। और ये प्रोजेक्ट, इसकी लमसम कॉस्ट 2500 करोड़ के लगभग बनती है, और बहुत अच्छी, यानी जिसे कहते हैं कि जल्दी बनने वाली परियोजना है, क्योंकि इससे जहाँ जोगिंदर नगर में जो ऊल वैली ऊल हाइडल प्रोजेक्ट की जो बिल्डिंग है वहाँ के सारे जो सुविधाएं वहाँ से भी उनको मिलने वाली है, मंडी में भी, तो दोनों तरफ सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। और जिस कार्यवाह से लंबित पड़ा था मामला, लेकिन भारत सरकार ने अपार कृपा की है कि हमें परिवहन मंजूरी पहले दे दी और फॉरेस्ट क्लियरेंस का काम जो बाकी बचा है, जैसे ये पूरा होगा उसके तुरंत बाद अन्य काम शुरू कर दिए जाए।